हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज एक बहुत ही स्पेशल डे है और एक्चुअली आज है मम्मी का बर्थडे। तो मैंने और भाई ने मिलकर कुछ सरप्राइजेस प्लान किए हैं। आई नो बैकग्राउंड थोड़ा सा मैसी है, सो बैकग्राउंड पे भी ध्यान मत दो, कंटेंट पे ध्यान दीजिए। सो एक्चुअली जो सरप्राइज का सिलसिला है वो हम दोनों ने रात को ही शुरू कर दिया, कल रात से ही शुरू कर दिया था। और वो मोमेंट मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि रात के 12 बजे जाके हम लोगों ने मम्मी के लिए यू नो सरप्राइज वगैरह सब कुछ प्लान किया था, तो वो मैंने शूट नहीं किया। तो हम दोनों का प्लान मतलब फटाक से बना के नहीं करना चाहिए, क्योंकि मम्मी जो है मतलब मेरी नहीं आपकी, हम सब की जो मम्मियाँ हैं वो हमारे लिए बचपन से बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करती आ रही है और अभी भी कर रही है। एंड बहुत सारी मतलब हमारी छोटी से छोटी खुशियों का वो ध्यान रखती है। सो हमारा ये फर्ज बनता है, इट मीन्स ये हमारा एक तरह का ड्यूटी है कि हमें उनको कुछ ऐसा सरप्राइज देना चाहिए, उनके लिए भी वो दिन जो है ना, उनका बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, उनको भी कुछ स्पेशल फील करवाना चाहिए। सो इतने सालों में हम दो भाई बहन कभी भी इस दिन हम लोग हमेशा, कभी मैं भूल जाती थी, भाई को हमेशा याद रहता था, तो हम लोग फोन पे मम्मी को विश कर देते थे, पापा को विश कर देते थे। आई नो मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। तो ये आज का जो दिन है, इतने सालों बाद हम दोनों को मौका मिला है, मुझे और भाई को, कि मम्मा का ये जो दिन है बर्थडे वाला दिन, इसको थोड़ा स्पेशल बना देते। तो अभी और भी बहुत सारे छोटे छोटे और भी सरप्राइजेस हैं मम्मी के लिए। तो आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आएगा। एंड भाई, आई नो तुम बिजी हो, तू कुछ कहना चाहते हो मम्मी के लिए? हैप्पी बर्थडे मम्मा, वी बोथ लव यू मम्मा। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और ये है खीर। जो बर्थडे हो, कोई भी ओकेशन हो, हम बंगालीस में कोई भी ओकेशन होता ना, तो ये मीठा तो बनता है, यानी कि खीर तो बनना मस्ट है। तो ये खीर मैंने बनाया है और आते ही मम्मा को जो है खीर हम लोगों ने खिला दिया। एक्चुअली बर्थडे में क्या होता है ना, मतलब राइस, बीच में राइस लगे और चारों तरफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यंजन बनते हैं और 5 डिफरेंट टाइप्स के भाजा मतलब फ्राइज वगैरह बनते हैं। वो सब तो होने से रहा क्योंकि आज ऑफिस डे है, तो सारी चीज़ तो नहीं कर पाई, बट हाँ खीर जो है वो मैंने सोच लिया कुछ करूँ ना करूँ, खीर तो मस्त है। क्योंकि मम्मा जो है कुछ करे ना करे हमारे लिए, हम दो भाई बहनों के लिए, इवन शिवांग अभी, तो वो छोटी से छोटी चीज़ों को बहुत स्पेशल बना देती है हमारे लिए। तो यहाँ पे मम्मा आने के बाद हम लोगों ने मम्मा को जो है खीर भी खिलाया है। और अभी जो है यहाँ पे बन रहा है ढोकला, तो एक बार ये ढोकला बन जाए, उसके बाद और एक सरप्राइज की तरफ बढ़ेंगे। मम्मी बैठी है फ्रेश होके एकदम गिफ्ट ओपन करने के लिए, बट यहाँ से ये 2 गिफ्ट मेरा है और 2 गिफ्ट मम्मी का है। मेरा है। वाओ माँ, कप सेट सुंदर ना माँ। एटा हलो तुम्हार मेन गिफ्ट। Do you want to know? Well, I've been thinking about you. So, mommy को मिला है ये सुंदर सा साड़ी। माँ केर को मज़ा शाड़ीटा। एक बार खुले दिखाओ आँचलटा। এদিকে আছে আঁচলটা খুলে দেখো এই যে এটা রেড এর মধ্যে শাড়িটা খুব সুন্দর হয়েছে একবার লাগাও তো এরকম করে তুমি যখন পরবে তখন তো এটা পরে আমি এখন যাব হ্যাঁ এটা করে দিচ্ছি না না এটা ম্যারেজ অ্যানিভার্সারিতে পরো আমি খুব পছন্দ দেখো এদিকে একটু কালার খুব পছন্দ হয়েছে খুব बर्थडे का जो भी मैंने प्रिपरेशन लिया था ये जो भी दिमाग में मैंने सोचा था तो वो सारा कुछ खत्म हुआ एंड बताओ मामा कैसा लगा आपको कल से शुरू हुआ सरप्राइज बहुत ही अच्छी लगी तो सोचने का बाहर में है कभी सोचा ही नहीं है बर्थडे मनाएगा बोल के आपको कितना सरप्राइज मिला मामा बहुत कल से रात 12 बजे से शुरू हुआ है कल रात 12 बजे से शुरू हुआ है अभी कितना हुआ है टाइम रात का अभी 10 बजने वाला है अभी तक मिल ही रहा है एनीवेज ये एक छोटा सा ब्लॉग था आप सबके लिए और मम्मी के साथ साथ मुझे भी एक सरप्राइज मिला है तो जो मैं बता रही थी मम्मी के साथ साथ मुझे भी 2 सरप्राइज मिले हैं सरप्राइज यानी कि ये एक एंड ये एक एक्चुअली ये जो है ना ये मेरा वैलेंटाइन का गिफ्ट है पेंडिंग वाला गिफ्ट तो जिस दिन आने का बात था उस दिन आया नहीं है तो अभी आया है एंड चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या है फोटो फ्रेम है एंड रिसेंटली हम लोग एक रिसोर्ट में गए थे तो वहां पे ये फोटो क्लिक किया गया था तो ये एक फोटो फ्रेम है एंड उसके बाद और ये अमेजन या फ्लिपकार्ट से किया हुआ नहीं है ये एक्चुअली जूम इन एक साइट है वहां से इन्होंने जो है ये सब ऑर्डर किया है तो ये दूसरा वाला गिफ्ट तो ये जितने भी पिक्स है ना गाइज ये सारे हमारे रिसेंट फोटोज है इसको जो है आप ये पीछे में एक शीट है इसको निकाल के हम लोग वॉल पे भी स्टिक कर सकते हैं या फिर इसको फ्रेम में भी डाल सकते हैं अदरवाइज इस तरह का वेलक्रो दिया गया है हम वेलक्रो से भी इसको स्टिक कर सकते हैं तो ये जो साइट है ना ये बहुत ही अच्छा है साइट क्योंकि ये फर्स्ट टाइम में ऐसे हमने बहुत सारे यू नो एल्बम्स वगैरह वहां से हम लोगों ने बनाए हैं तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ से कुछ भी फोटोज वगैरह मतलब क्लिक करो और यहाँ पे इनको सेंड कर दो और आपका अगर कोई भी इमेजिनेशन है कि आप किस तरह से फोटोज वगैरह कोलाज बनाना चाहते हो फोटो फ्रेम करवाना चाहते हो या फिर एल्बम बनाना चाहते हो आप बस फोटोज इनको सेंड कर दो और आपका जो भी रिक्वायरमेंट है इन्हें बता दो ये उसी तरह से सारा कुछ आपको प्रिपेयर करके भेज देंगे आपके एड्रेस पर तो इनका साइट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी अगर आप चाहो तो आप भी यहाँ पे अपनी फोटोज जो है भेज के ट्राई कर सकते हो एक बार जैसे हमने किए हैं सो आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इफ यू डू लाइक द ब्लॉग शेयर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल आप में से बहुत लोग वीडियो तो ब्लॉग तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज सपोर्ट द चैनल तो चलो मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट ब्लॉग में टिल देन टेक केयर बाय बाय लव यू